मैं स्टेज पे श्रुति झा मैम को बुलाना चाहूंगी। श्रुति झा मैम, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम। श्रुति झा का कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैंने एक विशेष मकसद से बुलाया है। मैं चाहता हूँ आप देखें हमारी जूरी कौन थी जिन्होंने फिल्में चुनी और उनको सम्मानित करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारी जूरी सुप्रिया शुक्ला, जब अपने सह कलाकार रही हुई श्रुति झा के हाथों से मुझे सम्मानित किया जाएगा। जब बच्चे मतलब बेटी बनती थी ना, तो जब बच्चे बड़ों को सम्मानित करते हैं तो गर्व से सर ऊंचा और हो जाता है। थोड़ी ठंडी है तालियां। आप भी कलाकार हैं और हम जो मंच पे हैं वो भी कलाकार हैं, तो इतना तो हक बनता है हमारा कि हम एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हुई ना बात। फिर मैं बुलाना चाहूंगा एक बहुत ही सच्ची इंसान जो मार्किंग देते हुए ज्यादा सोचती नहीं है, यार इसने बड़ी मेहनत की है, इसको अच्छे नंबर दे देते हैं। अंजुम पकी प्लीज। अंजुम जी के लिए दो लाइनें हैं। मैं इतिहास रचने आई हूँ, इतिहास रच के जाऊंगी। मैं साम्राज्य बनाने आई हूँ, मैं साम्राज्य बना के जाऊंगी। जोरदार तालियां प्लीज। मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये दोनों ही मेरी बेटियां हैं, मतलब इनके साथ मैंने 8-8.5 साल का सफर, उसके साथ इसके साथ 5 साल किया है। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ड्रीम। और मैं ऐड करना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंजुम आज अपनी अम्मी और अब्बू दोनों को साथ लाई है। इट इज सो नाइस अगर जब आपके बड़े आपके माता पिता जो हैं वो आप देखते हैं अपने सामने से कि उनका बच्चा किन बुलंदियों तक पहुंच चुका है। सो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। एक छोटा सा तोहफा आप लोगों के लिए, हमारे स्पॉन्सर हैं एक्सोटिक कलेक्शंस, प्लीज इसे स्वीकार करें। जोरदार तालियां एक्सोटिक कलेक्शंस के लिए। थैंक यू। थैंक यू दी। इतनी इज्जत अफजाई का, इतने सम्मान का तहे दिल से शुक्रिया हरिल सर आपको, पूरी टीम को, मुंबई इंडियन फेस्टिवल के जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, माँ श्रुति, एवरीवन फ्रॉम द ऑडियंस, माय मॉम डैड, माय ऑन स्क्रीन ममाज, एवरीवन थैंक यू सो मच इतना सम्मान देने के लिए, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि लोग मुझे सीरियसली लेते हैं। और इतना सीरियसली मुझे लेने के लिए और मुझे जूरी का हिस्सा बनाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, पर ये पहली बार है। और आई थिंक आगे भी इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं एक अच्छी जूरी साबित हूँ। थैंक यू सो मच। और आप सभी ने बहुत मेहनत की है, मैंने कुछ मूवीज देखी, मैंने उनको रैंक भी किया है, मार्क्स भी दिए हैं, तो सभी के मेहनत के लिए मैं एक जोरदार तालियां सुनना चाहती हूँ। एक हमारी जूरी है जो बहुत कम बात करते हैं, कभी उनसे 2 महीने पहले बात हुई थी, फिर फिल्में भेजी, हाँ करता हूँ, लेकिन किया और पूरा न्याय किया। सिकंदर खरबंदा, सिकंदर एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी। श्रुति जी प्लीज इनको सम्मानित कीजिएगा। कहते हैं हर कामयाब
शख्स के पीछे एक कामयाब महिला का हाथ होता है और वो कामयाब महिला गीतांजलि जी हैं, सिकंदर की सहभागिनी, इनकी पत्नी। प्लीज अपन बनाना चाहूंगा, हमारा बहुत सौभाग्य कि आप यहाँ पर आए हैं। दो लाइनें इनके लिए हैं, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। अरे इतना तो हक बनता है, आप लोग प्लीज समझते ना जाए। जिस पिक्चर पड़ती है जूरी हमारी काफी लंबी चौड़ी है।